ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने वाला हूँ जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है या जुडिशरी एग्ज़ामिनेशन है, तो आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत क्लियर फोकस लेके चलना है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं इन चीज़ों के कारण ये गलतियाँ ना हो और आप अपने गोल से दूर मत जाएं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप इनिशियली फिक्स नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम आएगी प्रिपरेशन को लेके। तो दोस्तों वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग क्या वर्कआउट करना है, ताकि अगर आपने इस चीज़ के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की है आप उस चीज़ में एक्सेल कर पाएं कम से कम समय में। सबसे पहला पॉइंट, दैट इज अपेयरिंग विदाउट एनी प्लान्स। दोस्तों यहां पे प्लान का मतलब है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज किया है, आपको अपना गोल बहुत ही प्रॉपर वे से लेके चलना है कि मेरे को ये एग्जामिनेशन क्रैक क्यों करना है। फाइन, अगर वो आपका गोल जो है, अगर आप डिटर्मिंड हैं तो इजीली आप ये चीज़ें क्रैक कर पाएंगे, बट अगर आपको खुद को नहीं मालूम कि ये एग्जामिनेशन क्या है, उसके लिए क्या पढ़ना है, कितना समय लगेगा, कितना पढ़ाई के लिए आप टाइम दे सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो आपको ये जो प्रॉपर प्लान है इसके बारे में एक बार थॉट प्रोसेस बनाना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, इतना मेरा टारगेट है, इतना टाइम पीरियड मैं अपनी लाइफ में से दे सकता हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए, और इसी टाइम ड्यूरेशन में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाऊँ, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कई स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाता, वजह कुछ भी हो, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। द पॉइंट इज इट कुड बी अ चांस कि जितना एरिया आपने कवर किया उनमें से कुछ पार्ट मिस आउट हो गया, जो आपने नहीं कवर किया वहां से क्वेश्चन फॉर्मेशन आई, तो इट कुड बी अ चांस। आपको ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलना है। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इट्स अबाउट द गोल विच यू हैव डिटर्मिंड टू अचीव। ठीक है, तो आपको वो लूज नहीं करना। यहां पे मैंने 3 स्टार दिए, 3 स्टार मतलब कि अगर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो इश्यू आएगा, अदरवाइज किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं बात करूंगा, ये जो पॉइंट है कि आपको ओवरऑल प्रिपरेशन में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि आपने प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट की, प्रिपरेशन स्टार्ट की क्योंकि आपका दोस्त अपीयर हो रहा है इस एग्जामिनेशन में। दोस्तों मे बी ये जो एग्जामिनेशन है, अगर उसने चूज किया आपके फ्रेंड ने, मे बी इट इज़ नॉट योर पैशन। अगर आप किसी और का पैशन फॉलो करेंगे आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ऑलवेज वर्क ऑन योर पैशन नॉट ऑफ अदर्स। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाइए कि दोस्त अपीयर हो रहा है, आप उस वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, इट इज़ फॉर योर गोल एंड डिटर्मिंड एटीट्यूड कि आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है। जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तब आप जो भी एग्जामिनेशन चूज करते हैं, जो भी फील्ड चूज करते हैं, उसमें आप 100% दे पाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज थॉट टू गिव इट अ ट्राई, मतलब आपने सोचा कि चलिए दे के देखते हैं कि एग्जामिनेशन है क्या। दोस्तों जब ये थॉट प्रोसेस होगा ना कि एक बार ट्राई करते हैं, तो आप एफर्ट भी उतने ही दे पाएंगे जितना वो ट्राई के लिए चाहिए। बट अगर आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है किसी भी तरीके से, तरीका मतलब कि कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े मेरे को ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है, अगर ये थॉट प्रोसेस आ गया आपके दिमाग में, अल्टीमेटली आप एक ना एक दिन ये एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे। तो आपको ये ट्राई वाला एटीट्यूड डिलीट करके इट हैज़ टू बी डिटर्मिनेशन वाला एटीट्यूड, तो आप अपना 100% दे पाएंगे और एक्चुअल में एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट आई हैव ऑलमोस्ट रेड द बुक्स। दोस्तों ऑलमोस्ट और 100% में बहुत डिफरेंस है। आपने तकरीबन सारी किताबें पढ़ ली,
और दूसरा क्या है थॉट कि मैंने सारी किताबें अच्छे से पढ़ ली 100%। दोनों में अंतर है, क्योंकि मैंने पहले भी पॉइंट में बात की कि जो पार्ट आपने मिस आउट किया, मे बी एग्जामिनेशन वहां से एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पुट कर दिया एग्जामिनेशन में, और जो पार्ट आप पढ़ के गए थे मे बी वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और एग्जामिनेशन में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इट इज़ ऑलवेज कि जितना भी पढ़ना है आपको जो बुक्स हैं जो सिलेबस हैं अच्छे से थॉरली गो थ्रू करना है, ताकि ऐसा कोई पोर्शन ना हो जिसमें से एग्जामिनर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट करे और आपको वो चीज़ ना आती हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बुक्स को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, चाहे वो इलस्ट्रेशन हैं चाहे वो किसी भी तरह के अपडेट्स हैं। नेक्स्ट दो है, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द डेडलाइन प्लान्स। दोस्तों यहाँ पे मतलब है, अगर आप ओपन एंडेड स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ रहे हैं बट कोई डेडलाइन नहीं है कि एग्जामिनेशन कब तक क्रैक करना है, कोई टारगेट नहीं है कि इस साल करना है 2 साल बाद करना है, तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर रहे हैं बट आप जब एक डेडलाइन नहीं बनाएंगे कि मेरे को इस महीने तक या इस साल तक ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो आप वो सिलेबस क्योंकि लेंथी है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देयर हैज़ टू बी अ सर्टन डेडलाइन कि मेरे को प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है इस डेट तक करनी है, मेरे को ओवरऑल मेंस की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन के पहले पहले करनी है। डेडलाइन डिफाइन कीजिए, मेक अ चार्ट, मेक अ पेपर, राइट इट ऑन द वॉल कि मेरे को इस मंथ से पहले पहले प्रीलिम्स की मेंस की प्रिपरेशन करनी है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है ड्रॉ अ चार्ट रिगार्डिंग द टाइम टेबल कि मेरे को कब कब क्या चीज़ें पढ़नी है और कितने महीने में कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। ये एक बेटर अप्रोच है, सिलेबस की कंप्लीट कर पाएंगे आप अच्छे से और कुछ चीज़ पेंडिंग भी नहीं रहेगी बिकॉज आपने प्रॉपर एक बार इलेबोरेटिव वे से उसका स्केड्यूल बनाया। नेक्स्ट जो है दोस्तों, यूजिंग द ट्रिक्स और शॉर्टकट्स या शॉर्ट मेथड्स अप्रोच। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि जब हम शॉर्टकट ट्रिक्स लगाते हैं या शॉर्ट मेथड्स लगाते हैं दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स तो क्रैक हो जाएगा बट एक चीज़ याद रखना, जो रोड टू सक्सेस है आप खुद उसको जिगजैग बना रहे हैं, रादर इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन कि मेरे को पहले ये करना है उसके बाद ये करना है। बट अगर आप खुद ही उन चीज़ों को शॉर्टकट अप्रोच लगा के चलेंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली प्रीलिम्स क्रैक हुआ बट मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है। तो सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक करने से कोई बेनिफिट नहीं है, आपको एक प्रॉपर मेंस ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलनी है कि मेरे को प्रीलिम्स इतनी देर में तैयार करना है, क्रैक करना है, मेंस का एग्जामिनेशन इतनी देर में क्रैक करना है, इस वे से पढ़ना है। तो ऑलवेज इवन फॉर प्रीलिम्स ट्राई कीजिए कि जो आपकी स्ट्रेटजी है ना प्रीलिम्स ओरिएंटेड, इसको आप चेंज करें। इट हैज़ टू बी मेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इवन जब आप प्रिपरेशन करते हैं प्रीलिम्स की, आपको मेंस का भी स्टडी करना है। जब आप तैयारी करते हैं मेंस की, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है रिगार्डिंग द इंटरव्यू फॉर्मेशन ऑल्सो, के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आपको साइड बाय साइड अपनी पर्सनैलिटी इस हिसाब से चेंज करनी है कि जो भी क्वेश्चन फॉर्मेशन इंटरव्यू में पुट की जाएंगी आपको उन चीज़ों का पता हो। तो दोस्तों ये जो इंटरव्यू वाला स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दिस चेंज कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट इन अ सिंगल डे। आपको कुछ महीने लगाने पड़ेंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। तो अगर आप डे 1 से जब इस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टेज 1 क्लियर करने से कोई बेनिफिट नहीं है, आपको सारे स्टेजेस साथ में लेके चलने हैं कि थोड़ा टाइम आपको प्रीलिम्स पे देना है, कुछ टाइम मेंस पे देना है, और कुछ दिमाग में चीज़ें रखनी है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस वे से करनी है। तो ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया और बाद में सोच रहे हैं व्हाट टू डू आफ्टर द प्रीलिम्स। आपको ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए कितना टाइम लगेगा, इंटरव्यू कैसे होगा, मेंस में कि कौन सा कोर एरिया है आपकी स्टेट के लिए। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए और आइडिया मिल पाए कि वो जब एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं
क्या कोई किसी भी तरह की गलतियां तो नहीं हो रही एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में? अपार्ट फ्रॉम इट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उन चीज़ों का अपडेट मिल पाए साथ के साथ। दोस्तों अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।